स्मृ शब्दोपतापयो स्मृ धातु शब्द और उपताप दो अर्थों में है। यह अनिट धातु है, लट तिप शप गुणों करके स्वरदी स्वरद स्वरंती स्वरसी स्वरद स्वरथ स्वरामि स्वरावह स्वरामः। लिट्लकार में विशेष याद दिला रहे हैं, स्वरति सूति इति वेट। स्वरति पहले ही है ना, स्वरी धातु को पहले गिना दिया उस सूत्र में। स्वरति सूति सुयति दुई ऊदितो वा, अतएव विकल्प सेट होगा। सस्वरिता सस्वर्थ संयुगादि रुदंत है, इसलिए गुण हो जाएगा। ऋतश्च संयुगादिर गुण रुदंत संयुगादिर अंगस गुण से लिटी। यदि भी कित के लिए था तो भी हम नल में भी लगाएंगे, कहा था पहले परत्वा जो है नली अपि भवती, उस उससे गुण होगा। पहले नित्य होने से प्राप्तता आचरण से वृद्धि, उसको बाद करके आपने कर दिया गुण इस सूत्र से। स्वरी को क्या स्वर और सस्वर रहेगा, अतः उपदाय से वृद्धि होगा। सस्वार सस्वरतु सस्वरु सस्वरित सस्वर्थ सस्वरतु सस्वर सस्वार सस्वर सस्वरिव सस्वरिव। वम की मैं विशेष बात कह भी रहे, और भी वमयोस्तु वम के परे रहते हुए श्रुकः किति श्रुकः किति श्रुकः पंचमी का एक वचन, किति सप्तमी का एक वचन। श्रियः एका चौगंताच्च परयोर गित कितोर इट न स्यात्, सप्तमी षष्ठी हो जाएगा पंचमी के कारण से। तस्माजित्रसिया है ना, पंचमी देखते ही सप्तमी को षष्ठी कर दिया जाता है। उभय निर्देश है पंचमी निर्देश बलियान, सप्तमी पंचमी दोनों आ गया। सप्तमी को जगत सुदृष्टि पूर्व से आएगा, पंचमी तस्माजित्र से आएगा, तो उभय निर्देश है पंचमी निर्देश बलियान। जैसे आपने डहसी धुट में देखा था, डात पर से सस्य सी को सस्य कर दिया। सर यहाँ पर भी किंगितो कर दे, किंगितोर इट न स्यात्। एक तो श्री धातु ले लिया और एकाच जो उगंत, उगंत बने ऊ रिल री उख ऊ रिल री इकारांत ही, एकाच भी है, एकाच उगंत होने के नाते पर गित की तोर गित और कित गिट आगम नहीं होता, इसके आधार इट होना ही नहीं चाहिए है ना। तब कहते हैं परम अपि स्वरत्यादि विकल्पम बाधित्वा पृष्ठात प्रशिकांड आरंभ सामर्थ्याद अनेन निषेधे प्राप्त है। पर होने के नाते स्वरत्यादि विकल्पम बाधित्वा, स्वरत्यादि सुत विकल्प को बाध करके पृष्ठात प्रसिद्ध कांड आरंभ सामर्थ्यात, पूर्व प्रसिद्ध कांड का आरंभ करके सामर्थ्य से इस सूत्र के द्वारा इट का निषेध होना प्राप्त होता है। क्योंकि आप सातवें अध्याय द्वितीय पाद जहाँ पर यह सूत्र है आर्ध सठ वाला आदे है 7:2:35 का है, और इट प्रकरण का जो निषेध है ये तो विधि होगा शुरू। निषेध प्रकरण कहाँ से शुरू किया उन्होंने, पहले नेडवशी कृति 7:2:8 से, उसके बाद ये शुरुक की 7:2:11 है। यही कह रहे हैं, और स्वरति श्रुति जो सूत्र था उसका नंबर है 7:2:44 35 के बाद। पहले विधि निषेध प्रकरण पहले है, फिर विधि प्रकरण, उसके बाद विकल्प प्रकरण रखा हुआ है। ये पढ़ने की प्रक्रिया है। यद्यपि सामान्यतः क्या होता है, पहले विधि बाद में निषेध होता है फिर विकल्प होता है, ये प्रक्रिया है। जैसे आप देखते हैं वृद्धि में वहाँ सिंची वृद्धि पर से प्रदेश हो है ना, वर्धन झलनता से आच ऐसा वृद्धि कर देंगे, फिर नेटी ना होगा नहीं, फिर क्या आतो हला जल लगो, विकल्प से करो। इस तरह से प्रक्रिया हमेशा अपनाए पाणी लेने, लेकिन ये किट प्रकरण ऐसा विचित्र प्रकरण उन्होंने लिया, अप्राप्त का बात कर रहे हैं। मीमांसा दर्शन में भी ऐसा है, प्राप्त बाद और अप्राप्त बाद। तीसरा अध्याय श्रुतिलिंग वाक्य प्रकट स्थान समाख्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्राप्त बाद है। अगले प्रमाण अभी प्रवृत्ति नहीं हुआ, उसको होने ही नहीं देगा,
पूर्व प्रमाण बल है, बलवान है, वो अपना विषय देखते ही पहले प्रवृत्त हो जाएगा। अप्राप्त लिंगादि को बात हुए श्रुति प्रवृत्त होती है, अप्राप्त वाक्यादि को बात हुए लिंग प्रवृत्त हो जाता है, ऐसे वहाँ व्यवस्था है, अप्राप्त बाद है। और आगे नव मध्य में प्राप्त बाद, अध्यादेश वाक्य से प्रकृति से जो विकृति में आई हुए अंगों को सारे आ जाते हैं प्रकृति विकृति कर्तव्या से, लेकिन विकृति आगे जो भी तंग है वो वहाँ के आए हुए सकल अंगों को स्वीकार नहीं करेगा, जरूरत उतरा रखेंगे, बाकी को बाध देते हैं, प्राप्त को बाधना हुआ। जैसे मीमांसा में प्राप्त बाद और प्राप्त बाद दोनों ही देखा गया, वैसे व्याकरण शास्त्र में भी प्राप्त बाद सामान्यतः सभी प्रकरणों में दिखाई देता है, इन इट प्रकरण क्या है, अप्राप्त बाद प्रकरण है। चल बैर आप निषेध कर दिया इट ना हो, अरे इट हो किसने कहा, इट की विधि हुई नहीं, और नेट पहले आपने नेट वशीकृति निषेध कर दिया। अप्राप्त का बाद करने से बलवान माना गया इसको, अति श्रुग किति अप्राप्त इट का बाधक होने के कारण से स्वर्ति श्रुति सुनीति द्वेति पर होने के बावजूद भी उसको भी बाध करके वो इट को निषेध कर देगा। तब कहते हैं सिद्धांति क्रादि नियमाद नित्य मिठ, तब जवाब दिया व और म के पढ़ते हुए क्रादि नियम से नित्य हो जाएगा, इसलिए सस्वरी व सस्वरी म ये रूप बनता है। स्वरिता स्वरता विकल्प सेठ, स्वरिता स्वरता एमेव परत्वात् रिद्धनोस्ये इति नित्यमिट स्वरिष्यति स्वर्ति श्रुति धूय उदित तो वा, विकल्प सेट कर रहा था उसको बाध करके रिद्धनोस्ये नित्यट कर देगा तो स्वरिष्यति बना, इटवा गुण और रह करके स्वरिष्यति। स्वरतो अस्वरत स्वरेत स्वर्यात, और वहाँ अस्वारित अस्वारिष्ठाम अस्वारिषु, और दूसरे पक्ष में अस्वार्षित अस्वार्षाम अस्वार्षु, इट विकल्प है ना, इट पक्ष में क्या होगा, इट इट स्लोप होगा सिच का, अस्वारित अस्वारिष्ठाम इट सुनाई देगा, इट पक्ष में अस्वारित अस्वारिष्ठाम अस्वारिषु हो अस्वारी ही अस्वारिष्ठम अस्वारिष्ठ हो अस्वारिषम अस्वारिष्व अस्वारिष्म, और इट अभाव है अस्वार्षित अस्वारिष्ठाम अस्वार्ष हो अस्वार्षि ही अस्वार्ष्टम अस्वार्ष्ट अस्वार्षम अस्वार्ष्व अस्वार्ष्म, और इतने से स्वाग नित्य होने से अस्वरिष्यत लिंग लकार रूप हुआ। स्मृ चिंतायाम स्मृ धातु इसी प्रकार से, लेकिन विकल्पित नहीं होगा कि बस गिना नहीं है, स्वर्ति श्रुति सुनियति धूई ऊदि तो आगे गिना नहीं है स्मृ को। चिंतायाम धातु है स्मरण करना, या चिंतन मैंने क्या है पूर्वानुभूत पदार्थ को स्मरण करना, चिंतन करना उसी का, या उस तरह की चिंता नहीं लेना, दुख के मारे आदमी चिंतित हो रखा है, कर्जा नहीं चुक रहा है जो चिंतित होता है, वो चिंता नहीं लेनी है, अनुभूत का स्मरण करना उसको चिंता एम कह दिया गया। स्मरति स्मरति बनेगा, यहाँ भी सेव का दिए है ना, वही सुर से गुण होगा पहले सस्मार सस्मरतो सस्मरु, भारद्वाज में मत में थर्ड मीटर ही होगा, पाणिमत में भी अजंत है अजंत आकारवान, लेकिन अजंत है अजंत आकारवान, पाणिनि भी निषेध कर रहा है, भारद्वाज मत में भी निषेध हो गया, थर्ड में विकल्पित नहीं होगा, और वह क्रादि नियम से तिट हो जाए वह माम ये रूप बनेगा। सस्मार सस्मरतु सस्मरु सस्मर्थ सस्मरथु सस्मर सस्मार सस्मर सस्मरी व सस्मरी मो ये रूप बनेगा। स्मरता स्मरिष्यति रिदनों से लगेगा, स्मरतु अस्मरत स्मरेत स्मर्यात अस्मारित अस्मार्षित की बनेगा, अयमअपि अनिट बोल रहे हैं इसलिए यह इट विकल्प तो है नहीं, एक ही बनेगा अनिट वाला, अस्मार्षित अस्मार्ष्टाम अस्मार्षु अस्मार्षी अस्मार्ष्टम अस्मार्ष्ट अस्मार्षम अस्मार्ष्व अस्मार्ष्म अस्मरिष्यत द्वि संवरणे। क्वचित्तु व्रीति पाठ धातु पाठ तो व्री इति उपलभ्यते, देखो तीन तीन पाठ भी दिख रहा है, कोई दकार से पाठ कर दे द्वि, कोई इतने व्री और कोई कहता नहीं केवल व्री, व्री तो पहले क्या है फ्री कौटिल्य जा चुका है, दोबारा लेने कोई जरूरत नहीं, फ्री
इसे द्वि अव्री हो सकता है, ये दो पक्षी रखा जाए, इनके भी रूप संयोग आदि रहेगा द्वि में, और व्री में संयोग आदि नहीं रहेगा, ये अंतर रहेगा, है ना। संयोग आदि हो तो गुण होगा लिट में, नहीं होगा तो गुण नहीं होगा। द्वरति दद्वार दद्वरतु दद्वरुः दद्वर्थ दद्वरतु दद्वर दद्वार दद्वर दद्वरिव दद्वरिम द्वर्ता द्वरिष्यति द्वरतु अद्वरत द्वरेत द्वर्यात अद्वार्षित अद्वरिष्यत। अव्री होगा तो अव्री संवरणे तो वरति ववार ववरतु ववरुः गुण होगा, वहाँ पर भी संयोग तो है नहीं, संयोग नहीं है ना। ववार वव्रतु वव्रुः बनेगा क्री जैसे डुकरी करने जैसे, ववार वव्रतु वव्रुः ववर्थ वव्रतु वव्र ववार ववर वव्रीव वव्रीव वर्ता व्री को भी अनिट कह रहे हैं, इसलिए द्वरी भी अनिट है व्री भी अनिट ही है, स्मृति धातुवत इसलिए कह दिए। वर्ता वरिष्यति वरतु अवरत वरेत व्रियात रिंग शैलिंग शो संयोगादि नहीं ना, गुण कहाँ से कर देंगे, ये गुणवर्त संयोगादि लगेगा नहीं, संयोगादि चाहिए ना, गुण नहीं होगा इसलिए व्रियात। और अवार्षित अवार्षम अवार्षो अवार्षी अवार्षम अवार्षो अवार्षम अवार्ष अवार्षम अवरिष्यत लिंग लकार में। अब आते हैं श्रीगतौ, श्रीगतौ क्राय में गिना गया क्री श्री भ्री है ना, क्री श्री भ्री श्रीगतौ क्रादित्वात् नैट क्रादि होने से ऐट नहीं होगा। सरति सरति ससार सस्रतु ससुरुः ससर्थ सस्रतु ससर ससार ससर सस्रीव सस्रीव यहाँ पर ईट नहीं होगा, सस्रीव में वह मौको भी ईट नहीं होगा क्रादि के अंतर्गत होने से। और सर्ता सरिष्यति सरतु असरत सरेत श्रियात असार्षित असरिष्यत बनेगा। यह नीचे आशलिंगी संयोग तो भावात गुणोर्दित न गुण किंतु रिंग शैलिंग शुति रिंग इत्याह। अमूल में भी कहा था संक्षेप में असारष्टाम, एक प्राप्ति विचार कर रहे लुंग में, यदि प्राप्त नहीं होता है केवल प्राप्ति का एक संभावना दिखा रहे हैं। शर्तशास्त्र्यर्थिभ्यश्च शर्तशास्त्र्यर्थिभ्यश्च शर्ति श्री का ही लगता है, शर्ति है ये श्री का ही शर्ति प्रयोगी ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ लुक कर दिया है, नहीं तो शर्ति होना चाहिए ना। इक्षितिप धातु निर्देश करोगे तो शप होगा, शर्ति बनना चाहिए जैसे भवती बना है भवते रासूत्र में, सर्ती हुआ इसका मतलब कोई लुक प्रकरण वाला मामला है, ये वादी प्रकरण का नहीं है। ये निर्णय कैसे होगा लेकिन कि कौन सा लें अदादि लें, श्लू में भी ऐसे हो जाता है तित्तादिव के बाद ससर्त्य बन जाएगा तो निर्णय होगा मुश्किल, इसलिए कहते हैं एभ्यश्लेर अंग स्यात कर त्रिलुंगी। पहले सूत्रार्थ बता दिया, इन धातुओं से छिली को अंग होगा सिच को बात करके कर त्रिलुंग लकार की प्रति हुए। यह लुप्त शपा शासिना सहचर्यात सत्यर्थी जौहत्यादिगाव एव गृहियते। यह लुप्त शब्द के द्वारा और शासु धातु के सहचरी होने से शास्त्रीय न बीच में यहाँ लगता है पहले वाला और अंत वाला जो धातु है बीच वाले के अनुसार चलाना पड़ेगा, श्री और रि सत्यर्थी द्विवचन है, श्री धातु और री धातु ये दोनों हमें ज्योत्यादि का ही लेना पड़ेगा, वादि का नहीं ले सकते। ज्योत्यादि का अवेव गृहियते तेना वाद्योर नांग, इसे वादि में जो श्री है और रिगतो धातु है इनको अंगादेश नहीं होगा। और इसी श्रीगतो धातु में इस शीघ्र गति अर्थ मानो तो कहते शीघ्र गतो तो
पाघ्रात्मा इति क्षिति धौ आदेश स्यात्। केवल शिक प्रत्यय में क्या होगा, धौ आदेश हो जाएगा। धावती धावतु अधावत धावेत, बस चार लकार चलेगा। यहाँ तक की टीका देख लीजिए। स्वरी शब्दोपतापयोरिति अयमपि अनिट् स्वरति इति तु कित्यपि गुणः, लिट् के परे कित्वनि पर भी गुण होगा। नलि तु कृते गुणैर अप्रत्ययोपदावृत्ति ससार ससवरतु ससवरोः, थलि तु क्रादिनियमप्राप्तसीटः अचस्तासु इति ऋतुभर्ज इति च नित्यनिषेधे प्राप्ते आह स्वर्ति सुदिति वेडिति। सस्वरित सस्वर्थेति, ससवरतु ससवर सस्वार ससवर इत्यपि ज्ञेयम्। वमयोस्तु क्रादिनियमात् नित्यम् इट् इत्यन्वयः, ऐसा अन्वय कर देना मूल में वमयोस्तु, ऐसे कह करके इसी पने का अंत में आया क्रादिनियमात् नित्यम् इट्, उसके साथ सीधे अन्वय होगा। बीच में जो कहा गया उस पर बोल रहे हैं। अत्र इन निषेधम शंकितुम आह श्रुकिति श्रिश्च उक्च इति समाहार द्वंद्वात् षष्ठी उक् प्रत्याहार अंगस्य तदिग्रदाम पंचमे प्रणतम उका विशेषत है, और षष्ठी भी पंचमृत में समझना है। तहंत विधि एकाच उपदेश एकाच तनुवृत्तम इगंत अन्वेति, इगंत में अन्वय कर देंगे, इगंत कहीं बोल दिया, उगंत अन्वेति होना चाहिए, उगंत अन्वेति उक है ना, यहाँ पर एक तो है नहीं, उगंत अन्वेति। नेड़ वशीकृति तो नेडिति, और नेड़ वशीकृति के द्वारा नेट की अनुवृत्ति कर ली गई। किंगति इति सप्तमी षष्ठी अर्थ, किति किति जो वहाँ, इसलिए सप्तमी जो वो षष्ठी अर्थ हो जाएगा। ग च खा चेति कौ तौ इतौ यस इति विग्रह, ग को भी चर्त हो गया, इसे दो का दिखेगा। गकार से चर्त निर्देश तदाह श्रेह एकाच इत्यादि न, गकार प्रश्लेषक किम भूष्णो हूँ रूप सिद्धि के लिए, भूष्णो ग्लाज स्तस्त घुष्णु इति चकारात भूधात घुष्णु सियात, भूधातु से घुष्णु प्रत्यय हो गया। तस गित्वात इट न, गित्वों से इट निषेध हो गया वर्तमान सूत्र से। कित्वे तो स्थास्रो इत्यत्र घुमास्त ईत सियात, यदि यहाँ भी तो कित्ति करते घुष्णु कर देते, फिर तो स्था धातु में जो वीत स्नु है वो स्नु के प्रत्यय कित प्रत्यय के प्रत्यय हुए ईत होने लग जाएगा, ये आपत्ति, से गित करना आवश्यक है। इट न सियादिति अनंतरम अनेन निषेध प्राप्ति तन्वय, नन यम शंका न विद्यते, क्योंकि श्रुगकृति निषेधम बाधित्वा निषेध को बाध करके परत्वा स्वर्ज सूचिति विकल्पस्य प्राप्त रित्यताह परमपि इत्यादि सामर्थ्यादित्यंतम। सात तो चौवालीस है, और श्रुगकृति सात दो ग्यारह, ग्यारह के पक्ष से चौवालीस क्या है, पर सूत्र है, पर के पूर्व को बाध देंगे, यह आशंका हुई। पृष्ठात प्रसिद्ध कांडारंभ सामर्थ्याद परमपि स्वरत्यादि विकल्पम बाधित्वा अन्य निषेध प्राप्त इत्यन्वय, प्रस्ताद प्रषेध कांड का आरंभ सामर्थ्यादि ही परभूत स्वरत्यादि विकल्प को बाध करके वर्तमान सूत्र आत्यंतिक निषेध करने लगा। तब आर्षवलादि इत्यादि विधि कांडात प्रागेव, बता रहे कैसे है वो प्रस्ताद प्रषेध कांड का मतलब क्या, सुनो बोला आर्षवलादे है, यह है विधि कांड, ये शुरू हो रहा है सात दो पैंतीस से, और उससे पहले नेड वशीकृति इत्यादि प्रच्छेद कांड आरंभ सामर्थ्यात, यह नेड वशीकृति सात दो आठ का है। अतएव स्वर्ति सूचिति विकल्प ये सात दो चौवालीस, इस विकल्प को अनेन बाध्यते इत्यर्थः, इसको परमपि इत्यादि से प्राप्ते सतीत्यंतः शंकाग्रंथः अपरिहार्य क्रादिनमद नित्यमिठ प्रकृत्याश्रय प्रत्याश्रय वा यावान इन निषेध स लिटि चेत तरी क्रादिपे एव इत्युक्तत्वात्। तो पूर्व में कह चुके हैं या प्रकृत्याश्रय हो चाहे प्रत्याश्रय हो, जितने भी इट का निषेध है वह सब के सब को स लिटि चेत लिट के प्रत्योग किया जा रहा है, तो क्रादिभ्य एव इत्युक्त, तो क्रादियों से होगा उसे भिन्न को निषेध लागू नहीं होगा। लुटी स्वरिता, इसलिए लुट में क्या होगा, स्वरिता स्वरता दोनों बनेगा। लृटि से स्वरती विकल्पम निरस्यति प्रत्यायति स्वरतु अस्वरत स्वरेत स्वर्यादिति आशर्लिंगी गुणोर्संयोगाद्वैति गुणः,
अश्वारित स्वर्ति तीट पक्ष वृद्धि भाव। अश्वार्षित में क्या हुआ? इट अभाव शिवृद्धि वृद्धि भाव। स्मृति चिंताया अयम पेनिट स्मरति लिटि ऋतस्यति कितियपि गुण नलित गुणे उपदावृद्धि। इसे सस्मार सस्मृतो सस्मरुहो रुदंतत्वात् भारद्वाजपतेपि क्रादिनिम प्राप्त सीट थड़ी नित्य निषेध। इसे सस्मर्त सस्मरतु सस्मर सस्मार सस्मर सस्वरिव सस्वरिव स्मरता लटिस्ये हृदन सेति इट स्मरिष्यति स्मरतो स्मरत स्मरेत आशलिंगी गुणे अर्थ इति गुण स्मरियात लुंगी शिचिवृद्धौर अप्रतम अस्मार्षित अस्मरिष्यत। द्वि संवरणे इति अयमपि स्मृतात्वात् ये भी अनिटे स्मृत उसका मान चलेगा। श्रीकथा विधि द्वि और व्री को छोड़ दीजिए सीधा श्रीगति में चले गए। रुदंतोया मनिट सरदि लटि संयोगादित्व भावात् संयोगादि नहीं है इसे ऋषि संयोगादि गुण से गुण नहीं होगा गुणो न ससार सस्रतु ससरु क्रादित्वाद नेडिति श्रीदात क्राजस्थत्वाद इति भाव ससर्थे क्रादित्वाद थड़ियपि नित्यम निषेधित भाव। ससरतु ससर ससार ससर ससरीव ससरीव इत्यपि ज्ञेयम् व मम भी टी होगा क्राज के अंतर्गत गिना गया है इसी वजह से। सरता लटी में हृदय से तीट सरिष्यति सरत असरत सरेत आशलिंगी स्वयगायित्व भावाद गुणोर्ति इति गुण गुण किंतु रिंग शैंगलिंग शुति रिंग इत्याह रिंगीति श्रियादिति। इसे रिंग ऐसे दिखा करके मूल में श्रियात ऐसा रूप दिखा दिया था। रिंग ही प्रकृति रिंग विधि सामर्थ्यात न दीर्घति भाव। रिंग प्रकृत था वहीं से यहाँ पर अनुभति भी कर रहे हो कुछ ऊपर से आपने रिंग विधान कर दी तो सामर्थ्य अग्रसार्थ दीर्घ से दीर्घ नहीं होगा। असार्षित शिचि वृद्ध और अप्रत्व अत्र छ्लेर अंगम आशंकित माह चिली को अंग की आशंका करते हुए कहा सर्त शास्त्रीभ्य चिली लुंग लुंगी अनुवर्तते निषेधेता कर्तरी चंग इति ये सब का अनुवृत्ति हो गया तदाह यभ्य इत्यादि तस् प्रकृते असार्षित्यत्र अंग स्याद इति शंका सूचिता ताम परिवर्त यह लुप्ता इत्यादि ये अंग विधौ इस सूत्र में शास्ति इत्यनेन लुप्त विकर्ण शास्त्र गृह्यते लुप्त विकर्ण लुप्त हो गया है विकर्ण जिसका ऐसे शास्त्र ग्रहण हुआ इति निर्विवादम तस् विकर्णांतर भावात क्यों उसको अन्य विकर्ण में प्रयोग होता ही नहीं शास्त्र धातु अत वही ज्ञापन कर देता है। पूर्वोत्तर धातु जो अन्य अन्य विकर्णों में प्रयोग हो रहे हैं उनमें किसको लेना वो तय कर देता है। तस्य विकर्णांतर भावात एवं च तस्साचर्यात श्री धातु ऋ धातुश्च जहूत्यादि को श्लु विकर्णावेव गृह्यते इत्यर्थः लुप्त विकर्णत्व साम्यात इति भाव। ये तीनों को लुप्त विकर्ण का ही प्रयोग किया पाणिनि तेन इति लुप्त विकर्णयोरेव ग्रहणेन वायुगणस्थयोः श्री धातु ऋ धातोर अंग न इत्यर्थः। इसके बाद ही आ रहा है ऋ धातु वहाँ भी अंग नहीं होगा। तदेव श्री धातुर गति सामान्य वृत्ति है उक्तानि रूपाणि श्री धातु के गति सामान्य अर्थ में रूपों का कथन कर दिया गया। यदि शीघ्र गति श्री धातु प्रयोग जब गया ये शीघ्र गति अर्थ में श्री धातु का प्रयोग करोगे तदा तस् विशेषम तब विशेष स्थिति क्या बनेगी वहाँ शीघ्र तो इति धौरादेश इति धौ शब्द से धौर इति प्रथमांत निर्देश किया गया। धौ इति औकारांत आदेशित कौन करेगा पागरात्मा इति सूत्र है सर्ति स्थिपा निर्देश लुप्त विकरण निर्देशस्तो अविवक्षित इति भाव इन वहाँ भी सर्ती था वहाँ लुप्त विकरण को अविवक्षा कर दिया गया। सर्तेर वेगितायां गतौ धावादेशिति वार्तिक अभिप्रेत्य इदम वार्तिककार के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है। धावती शभि श्रीधातु धौ भावे आवादेश और शित कहाँ मिलेंगे लोट धावतु लंग अधावत और विधिलिंग धावेत ये बना लिया। नीचे वाले ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं। स्वरी उपतापो मने रोगा शब्दोपतापयो हो शब्द करना और उपताप मने रोग। श्रुग की थी एकाच उपदेश एकाच निवर्तित है तच्चौको विशिष्ट मित्य एकाच उगंता दी थी श्रुता श्रुतवान श्रुत्वा भूत भूतवान
और भूति, ये सब दृष्टांत है। द्वितीय उदाहरण क्या है? भोष्णो ग्लाजस्थश्च इति घस्नु प्रत्यय स चित भवती न कित। क्यों? यदि कित माने तो क्या आपत्ति है? स्थास्नो इत्यत्र घुमासित इत्तु प्रसंगात प्रसक्त्यात् व्याप्ति हो जाएगी। ये काचित किम जागरी, ये भी देखो उगंत है, तेना ने काच है, एकाच उगंत नहीं है। जहाँ में आ भी है ना ग्री मेरी दो अच्छा है, इसे वहाँ लगेगा ना ये सूत्र, तो जागरित हो जागरित वहाँ इट हो गया। उर्णोतेस तो नुवत भाव है ना उर्ण तो हो, उर्णोति उर्णु धातु को तो नुवत भाव कर देते हैं, अतः एकाच के समान हो गया वो। नु क्या है? एकाच कह दिया, उर्णु धातु को भी नु धातु के समान चलाइए, मैंने अनेकाच को भी एकाच बना दिया आपने, एकाच भाव दिला दिया उसको, अतः एकाच मान करके वहाँ भी ये सूत्र निषेध कर देगा। इसे ऊर्ण तो हो ऊर्ण दवान इति सिद्ध्यति। उगंत आदि के सहित सहितवान, उगंत क्यों कहा? इगंत क्यों नहीं कहते? ये को क्यों छोड़ दिए? तो शींग स्वप्ने दीर्घकारां जितने धातु है, सरस्वकारां धातु है, वहाँ भी सभी सूत्र लग जाता, इट को निषेध कर देता, और न करे इसे उख कह दिया। अतः शहित शहित जब गया इट हो गया। प्रस्त इत्यादि आर्धातु हेट वाला दे इत्यादि विधि कांडात प्रागेव नेडवशीकृति इत्यादि प्रतिषेध कांड आरंभ सामर्थ्यादित्यर्थ निषेधे प्राप्त है स्मृत ऐसा प्राप्त है। सूत धूत ये सब दृष्टांत है। स्वर्ति में स्मृत, सूति में सूत, धुई ऊजितो वा है ना धूत इत्यादि यथा इति भाव। श्रीगतो सरति सरिष्यति सरतिशास्त्रि प्रसे पदेशु इति न संबद्धते पुषादि योगाद अस्य पृथक्करणात्। ज्ञापन गणित तो पुषादिगण में इसको पाठ कर लेते, अलग क्यों कर रहे हैं आप? अलग करने से ज्ञापन होता है, एक प्रसे पदार्थ दोनों जगह काम करेगा। ये आंगशासु इच्छा मित्यस्य अत्र न ग्रहणम् किंतु सरतिर्थिभ्याम साचर्यात् परस्मे पुदीन शासेर एव इत्याहु। इच्छार्थ वाला शासन नहीं लेना चाहिए, किंतु शासन अर्थ वाला ही प्रसेपदी वाला ही लेना चाहिए। अब दो रजात करो, असरत अशिष्का अशिषत और री का आरत बन जाएगा अंग होने पर। ये दिखा दिया जलौटिय मूल में री गति प्रापणयो हो, री धातु गति और प्रापण दो अर्थों में होता है। री को रिच्छादेश हो जाएगा पाग्राधमा सूत्र से, लट लकार में रिच्छति ये बनेगा रिच्छति, और री से लिट लकार आया वहाँ सूत्र लगाएंगे रिच्छत्यरीताम रिच्छत्यरीताम, ऐसे षष्ठी रहेगा। पंचम अर्थ में लेना तौदादिक से रिच्छते है री धातो हो ऋतांच गुण स्यात्। तौदादिक से रिच्छते है तौदादिक ऋच्छ धातु और भुवादि वाला री धातु और रीतान धीरिकारान धातु, इन सबको क्या होता है? गुणस्य लिटी गुण होता लिट के प्रत्यय वे नली प्रागवत दुब्धावध नल में भी, इसलिए कित के लिए विहित को नल में भी हम गुण करके फिर वृद्धि कर देंगे। आर आरतु आरुहु आर आरतु आरुहु और एडत्यर्ति व्ययती नाम सूत्र एक और लगेगा। एडत्यर्ति व्ययती नाम एडत्यर्ति व्ययती नाम इट प्रथमा का एक वचन शेष षष्ठी का बहुवचन है, इन्हें षष्ठी पंचम अर्थ में समझना। अर्ति धातु अति धातु और व्ययती धातु तीन धातु ले रहे हैं, अति धातु अति और री एवं व्ययी धातु तीन धातु। एभ्य स्थलो नित्यम इट स्या, इनसे पर वे थल को नित्य इट करना है, क्योंकि री श्री भ्री से भिन्न है ना ये, भारद्वाज में सीट निषेध होता बाकी के मजिट हो जाता, अतः विकल्प से इट प्राप्त है उसके बाद के नित्य इट कर दिया। तो आरिथ और आरतु आर आर आरिव आरिम क
राजनीय से अनिश्चित हो जाएंगे। अर्था हरिष्यति रिद्धनों से और ऋच्छतु आर्छत ऋच्छेत अर्यात अर्यात हो जाएगा। क्योंकि सूत्र में गिनाया था ना गुणोर्थ संयोगाद्यो अर्थी गिनाए वहाँ पर, भले संयोगादि नहीं है अलग से गिना दिया त्रिगत, इसीलिए यह गुण हो जाएगा आशलिंग में। तो अर्यात और वहाँ आर्षित अनिट रहेगा, आर्षित आर्ष्टाम आर्षु आर्षी आर्ष्टम आर्ष्ट आर्षम आर्षु आर्ष्म आरिष्यत लृंग लकार में ये रूप बनेंगे। त्रिगतों का देखिए यहाँ भी सूत्र लग रहे ना, इसको देखा जाए प्रापणय री गति प्रापणयो हो अनिट है धातु प्राग पाघ्राधमा शिद विषय ऋच्छादेश तदाहरिच्छति इति ननु री अतु सिद्ध स्थिते दित्ते व्रतत्वे रपरत्वे हलादिशेषे अत आदेति दीर्घे आ रि अतु सिद्ध स्थिते असंयोगादि कित्वाद उत्तरखंड से गुणाभावे यण बाधित्वा परत्वाद आद गुणे अरतुरिति स्याद इत्यतः तत्र गुण विधानम बाहा गुण विधायक सूत्र को बता रहे ऋच्छत रीता दैत्यर्थिगिलिटि इत्यतः ऋटि का अनुवृत्ति किया ऋतसंयोगादि गुण इत्यतः गुण इति च अनुवर्तते ऋच्छति या पच्छेद में एक और पीछे छोटा री लेना री और रीता दीर्घ री और रसिका का समय दीर्घ हो गया अति आपको ऋच्छति रीता इसे बहुवचन कर दिया ताकि बीच री है मालूम भी हो जाए, नहीं तो दो ही होता तो ऋच्छतृत्य हो बोलना चाहिए है कि नहीं, इसलिए बीच में एक री भी है छोटा री ह्रस्व वाला ऋतस इत्यादि येषां द्वंद्वात् बहुवचन बहुवचनादेव ऋकार प्रश्लेष गम्य थे स्पष्ट ही बोल दिया ना, बहुवचन के आधार पर ही ऋकार का प्रश्लेष ज्ञान हो रहा है। प्रश्लिष्टेन च ऋकारेण री धातु रेव गृहते प्रश्न ऋकार के द्वारा वर्तमान री धातु को ही लिया जाएगा। रिवर्णांत धातु ग्रहणे ऋतसुण इति इसे वैयर्त्याग यदि रिवर्णांत धातु को लोगे तो ऋतसुण वही सूत्र कर ही रहा था, अलग से अलग ज्ञान लेने क्या जरूरत है, रिवर्णांत लेना री रूपा धातु लेना भवादिक धातुस्तु रिग्रहणे नैव सिद्धे है तदा तवदादिक छत्र इत्यादि ना किदर्थम अपि इदम सूत्रां प्रत्वाद अकित्यपि भवति नल में भी हो गया नल प्रागवती ह्री कौटिल्य उक्तया रीत्या किस सुचरितार्थोपि अयम गुण अचुणीति वृद्ध्यपेक्षा परत्वाद नली अपि भवति परत्वन कहने थे बात करके नल में गुण करेगा पहले तथा परत्वे उपधा वृद्धि रीति अर्थ आरेति रीधात और लिटि तिपि तिपो नली द्वित्वे वृद्धत्वे हलादिशेषे अत आदेति दीर्घे उत्तरखंड से वृद्धौर अपरत्वे स्वर्ण दीर्घ इति भावः आरतुरिति पूर्व द्वित्वादो आ रि अतुस्थिति स्थिते कित्ता गुण निषेधे प्राप्ते ऋचिदीर्घगुणे रप्रत्वे स्वर्णदीर्घति भावः आरु इत्यप्येव थलितो क्रादिनिम प्राप्तस्य यतः अचस्थास्वतिति रदन्तत्वात् भारद्वाजमत्यपि निषेध प्राप्त्याः अडत्यर्थवेचीनां पञ्चम्यर्थे षष्ठी अचस्थास्वतितः थलिकानुवृत्ति विभाषा सृजदृश इति पुरुषसूत्र से ये भाषा ग्रहणम अस्वरितत्वात् नानुवर्तते अस्वरित उसकी अनुवृत्ति नहीं होगी अद नित्य हो गया तदा अद रि इत्यादि आर्धसिटवलादि अनुवृत्त पुनर्यट ग्रहणम तो नवृत्व्य चतुर्भ्या चतुर्भ्या भ्या के ऊपर रेफ होना चाहिए इत्यतो नैत्यनुवृत्ति निवृत्त इत्याहो आरिथेति आरथु आरुह आर आरिव आरि क्रादिनी माज व ममीठ हो गया अरिष्यति इति ऋधनो इति इठ ऋच्छतु वार्छत अर्यादिति गुणोर्थ इति गुणे प्रपरत्वमिति भाव आर्षिदिति सिचि वृद्धि सर्ति शास्त्यर्थिभ्यस्य इति अंग तु न उस अंग नहीं होगा तत्र भौवादिकस्य रिधातोर न ग्रहणमिति अनुपद में उक्ते अभी अभी कहा आया हूँ मैं और तुदादिगण का रिधातु लेना है वादिका नहीं लेना है आरिष्य तिर बन जाता है रिद्धन से वाइट हो गया। नीचे वाले
इतना ही कह रहे हैं। प्रागवदिति किदर्थम आरब्धोपि, कितके लिए आरब्ध हुआ यह गुण? परत्वात् अपि भवति रप्रथम और उसके बाद तथा उपधावृत्यर्थ नित्यमिट स्याद विभाष सृजित ऋषो यदि विभाष नानवर्तित भाव। इतना एक अगर समाप्त कर दिए। घ्री घ्री सेचने, घ्री और घ्री धातु सेचन अर्थ में होता है। गरति गरति जगार और जग्रतु जग्रुह जगर्थ जग्रतु जग्र जगार जगर जग्रीव जग्रीम सब ऋण हो जाएगा। और गर्ता गरिष्यति गरतु अगरत गरेत यहाँ रिंग होगा। ग्रियात अवृद्धि अगार्षित अगरिष्यत ये बन जाएंगे। घ्री में घ्री धातुस्तु भौवादिकस्य घृतम घर्म घृणा इत्यत्र प्रयोग नान्यत्रिति सृजोत्कृष्ट सूत्रे भाष्य स्पष्टम। इनके हिसाब से फिर तो घ्री धातु रूप चलाना ही नहीं है रिट लकार आदि घ्री का। ये तो कह रहे हैं ना ये घ्री का रूप नहीं चलाना, ये कह रहे हैं। क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि भाष्यकार ने कह दिया वायुगण का जो घ्री धातु है वो घृतम रूप बनाने के लिए घर्म रूप बनाने के लिए और घना इतत्र प्रयोग नान्यत्र लकार आदि प्रयोग नहीं होंगे। ये कृदंत में ही होगा विशेष प्रयोग इस धातु का, अन्यत्र प्रयोग नहीं होगा। इसे इसका कोई रूप दिखाया भी नहीं इन्होंने। यदि सूत्रे भाष्य स्पष्ट ध्री धातु हुर्चने हुर्चनम कर्त कौटिल्य कुटिलता कुटिल भाव हुर्चने ध्वरति ध्वरति दध्वर दध्वरतु दध्वरु असेगा दिया ना गुण हो जाएगा। दध्वरतु दध्वरु दध्वरित दध्वरतु दध्वर 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 दध्वरी व दध्वरी म ध्वर्ता ध्वरिष्यति ध्वरतु अध्वरत ध्वरेत और ध्वर्यात संयोगा दिएगा ना ध्वर्यात और अध्वार्षित अध्वरिष्यत श्रुगत श्रु ये भी संयोग आदि है। इन उकारांत ये रकारांत नहीं रह गया, उकारांत ये गति अर्थ में है। क्री श्री ब्री व्री द्रु श्रु श्रु आया हुआ उसमें नित्य नित्य रहेगा थल में भी। इसे दिखा दिया सुश्रोत अनिट है ना कि गुण होता कुछ नहीं होगा। सुश्रोत सुश्रुव देखो वो भी दिखा दिया वह मौका वहाँ भी नहीं होने वाला। श्रुयात का अग्रसार दीर्घ दीर्घ हो गया दिखाया श्रुयात। नी श्री द्रु श्रु लुंग लकार के लिए दिखा रहे वहाँ श्रु आया हुआ है इसलिए चंग होगा। इति चंग लब्ध गुणाद अंतरंगत्वात वुवंग होकर के असुश्रुवत ये रूप विशेष दिखा दिया। बाकी सरल है चलाइए। स्रवती स्रवती सुश्राव सुश्रुवतु सुश्रुवु सुश्रोत सुश्रुवतु सुश्रुव सुश्राव सुश्र सुश्रुव सुश्रुम श्रोता श्रोष्यति अश्रवतु अश्रवत् श्रवेत और श्रूयात असुश्रुवत असुश्रुवत चंग हो गया ना असुश्रुवत और अश्रोष्यत ये रूप बनेंगे। लिखा है इन्होंने इसलिए श्रुगत वनिट है करके। देखिए इतने धातु का घ्री घ्री सेचने अनिट गर दीदी जगार अश्रुगादित्वात ऋतश्चित गुणों न जग्रतु जग्रु यण हो गया। देखिए क्रादि नेटि प्राप्त है अचस्वती नेट ऋतत्वात भारद्वाज मते भी नेट तदा जगर थे जग्रतु जग्र जगार जगर जिग्रीव जिग्रीम क्रादि निमाद इट हुआ जिग्रीम गर्ता गरिष्यति ऋतन से तिठ हो गया गर्तवा गरत गरेत रिंगति मैंने आशरलिंग में असवादित्वात गुणोर्तित गुणाभाव है रिंग शैलिंग शुष्य रिंग हुआ इसलिए ग्रियादिति। यहाँ भी वही बात रिंगी प्रकृत रिंग विधेयर न दीर्घ हो अगार्षिदिति सिचिवृद्ध और अपरत्वाम अगार्ष्टाम अगार्षु इत्यादि अगरिष्यत
वृद्धनो सेसिट्ठुवा घृधातुस्तु भौवादिकस्य घृतं घर्मः घृणा इत्यत्रैव प्रयोग नान्यत्रिति सृजोत्कृष्टसूत्रे भाष्य स्पष्टम्। इनके हिसाब से फिर तो घृ धातु रूप चलाना ही नहीं है, रिटलकार आदि घृ का ये तो कह रहे हैं ना, ये घृ का रूप नहीं चलाना ये कह रहे हैं। क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि भाष्यकार ने कह दिया वायुगण का जो घृ धातु है वो घृतम रूप बनाने के लिए, घर्म रूप बनाने के लिए और घृणा इतत्र प्रयोग नान्यत्र लकार आदि प्रयोग नहीं होंगे, ये कृदंत में ही होगा विशेष प्रयोग इस धातु का, अन्य तो प्रयोग नहीं होगा, इसे इसका कोई रूप दिखाया भी नहीं इन्होंने। इति सूत्रे भाष्य स्पष्ट ध्री हुर्चनेति हुर्चनम कुटिली भवनम ध्वरति दद्वार ध्री हुर्चनेति हुर्चनम कुटिली भवनम ध्वरति दद्वार प्रतिष्ठति गुण दद्वर तो दद्वरो थड़ी अचस्तचि क्रादि नियम प्राप्ति न ప్రజంతత్వాచ భారతమచిత్తే పిన్నైట్ దద్ధర్త దద్ధ్వరతు దద్వర దద్వార దద్వర దద్వరి దద్వరి మహరాజిని మాదిఠోవ్య ధ్వర్త రజనోసీతి ఇట్ ధ్వరిషతి ధ్వరతు అధ్వర ధ్వరిత్ ఆసనమే పూర్వత్ గుణోర్జితి గుణ ధ్వర్యాత్ అద్వార్షిత్ అధ్వరిష్యత్. శ్రుగతో మే గ్యా హే అనిట్ ధాతువే స్రవతి సుస్రావ అతుసాదౌ కిత్వాత్ గుణాభావే ఉవంగ్ సుస్రవతు సుస్రవు క్రాజిత్వాత్ నైట్ तदा सुस्रोथ सुस्रवतु सुस्रव सुस्राव सुस्रव सुस्रीव सुस्रीमा ये रूप बनेगा। क्राजित्वात् नैट सुस्रम इत्यपि जेयम से सुस्रव सुस्रम ही रहेगा, कहीं इट नहीं होगा। श्रोता श्रोष्यति स्रवतु अस्रवत् स्रवेत श्रुया इति अग्रसार्थ इति दीर्घ इति भाव लुंगी विशेषम भाव याद याद दिला रहे विशेषम आह लुंगी विशेषम आह निश्री इति चंगी इति चंगी इति द्युतम इत्यपि द्रष्टव्यम ननु असुश्रु अ त इति स्थिते रेफादुत्तरस्य उकारस्य सार्धदार्ध इति गुणस्य चंग निमित्तकस्य गित्तात् निषेधेपि वंग अपेक्षा परत्तात् तिपम निमित्तीकृत्य रेफादुकारस्य लघुपदगुणः स्याद् इतताह लघुपदगुणाद् अन्तरंगत्वाद् उवंगिति। बहिर्भूत तिप अपेक्षत्वाद लघुपद गुणो बहिरंग हो गया, अंतर्गत चंग अपेक्षत्वाद वंग अंतरंग है, अतः वंग एव भवति प्राद अंतरंगस्य बलवत्ता इति भावः असुश्रुवद् इति और अश्रोष्यत् लिंगलकार में। नीचे कुछ खास कह नहीं रहे हैं। ध्री हुर्चने हुर्चनम कौटिल्यम श्रुगतो इतना ही कह दिया, यद्यपि सामान्य गतिरुक्ता तथापि दवद्रव्य सेव गतिरिह चेयाम। इतना विशेष है दवद्रव्य माने पिघला हुआ पानी जो बहना इत्यादि, उसी में स्रवती का प्रयोग होना, सामान्य गति को नहीं लेना, पानी आदि तरल पदार्थों का बहने अर्थ में ही इसको लेना है। स्रवती घृतम स्रवती जलम इत्यादि प्रयोग होगा।